तहसील लीगल सर्विस डोडा की तरफ से पैन इंडिया अवेयरनेस प्रोग्राम किया जा रहा है डोडा टाउन हॉल के अंदर, और हमारे साथ कुछ एडवोकेट जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, क्या अवेयरनेस है लोगों को दे रहे हैं, इस अवेयरनेस से कितना फायदे आम इंसान को है। सर आपका वेलकम है, थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में बताएं, इस प्रोग्राम से कितना फायदे आम इंसान को है और किस तरह की अवेयरनेस आप दे रहे हैं। देखिए, हम सबसे पहले तो फ्री सर्विस दे रहे हैं लोगों को इस प्रोग्राम का। तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी जो डोडा है, इस लीगल अवेयरनेस का हमारा यही मकसद है, जितना भी गरीब तबका है वो हमारे पास आए, हम उनको हर लिहाज से फ्री सर्विस जो है हम उनको प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो कोर्ट में हो चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में हो, हम उनके लिए हर किस्म की तरह से हम उनको फ्री सर्विस जो है प्रोवाइड करेंगे। क्या इस तरह के कुछ केसेस लड़ रहे हैं आप, और ये भी बताइए कि इस जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं इससे आम इंसान को कितना फ़ायदा होगा। देखिए, केसेस हम लड़ रहे हैं, क्रिमिनल केसेस भी हैं हमारे पास, हमारे पास सिविल केसेस भी हैं। अभी जब हम प्रोग्राम कर रहे थे, मेरे पास कुछ लोग आए, उनका भी कोई बिजली का मसला था, तो इसीलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं इन लोगों को बताने के लिए कि हम जो हैं आपके लिए फ्री यहाँ बैठे हैं, आपको जब भी कोई मसला है, कोई भी मसला है, चाहे घर का मसला है, क्रिमिनल मसला है, सिविल मसला है, ज़मीन का मसला है, हमारे पास आइए आप, हम आपको जो है फ्री बेनिफिट इसमें दे देंगे। हम ये भी देखते हैं जब हिली एरियाज़ में हम चले जाते हैं, कुछ लोगों की सुनवाई नहीं होती है, सालों साल होते हैं, केस सामने नहीं आता है, कोर्ट में ज़रूर होता है मगर उसकी पेशी नहीं होती है, तो क्या आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा उन सब लोगों को जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जो फीस वगैरह नहीं दे पाते हैं, आपकी तरफ से क्या मैसेज उन सब लोगों को होगा। देखिए, हमारा मैसेज यही है सबको, खासकर जो फार फ्लंग एरिया है, हमारा जो मकसद है इस प्रोग्राम का, हमने यहाँ भी किए, हमने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए और आगे भी हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करने वाले हैं, हमारा जो मैसेज उन लोगों का है यही है कि आप डरिए नहीं, आप फीस से डरिए नहीं, आप डोडा आइए, आप हमारे पास आइए, आप कोर्ट आइए, आपका जो भी मसला होगा हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है आपको उसका बेनिफिट देंगे। एक सवाल और जानना चाहूँगा आपसे, जहाँ पे थ्री टायर सिस्टम की बात की जाती है, हम अभी देख रहे थे स्पीच में ये भी बताया जा रहा था कि बहुत सारी स्कीम्स ऐसे आती हैं मगर उन स्कीम्स का लोगों को पता ही नहीं होता है, जिस तरह से आप यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, सिटी के अंदर कर रहे हैं, क्या ब्लॉक लेवल पे भी ये प्रोग्राम करेंगे या जो हमारे पंच हैं, सरपंच हैं, क्या उनको भी इस तरह की अवेयरनेस देंगे आप। देखिए, हमारी कोशिश है, हमने शुरुआत में स्टेट लेवल पे हमने ये प्रोग्राम किया, फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए, अभी हमारा तहसील लेवल पे चल रहा है, हमारी कोशिश हम इसको ब्लॉक लेवल पे भी लेके आएँ, हम पंचायत से सरपंचायत से इसके बारे में बताएं कि इसका बेनिफिट क्या है लोगों को। बहुत सारे लोग जो हैं कोर्ट आते नहीं हैं, इस डर से हमें पैसा खर्चना पड़ेगा, लेकिन इस सर्विस का जो वो बेनिफिट लेंगे उनके सारे मसले फ्री हो जाएंगे, और हमारी कोशिश यही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अवेयर मिले कि हाँ आप कोर्ट आइए, हम जो है वहाँ बैठे हैं और आपके लिए फ्री सर्विस जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पैन इंडिया अवेयरनेस प्रोग्राम आज डोडा टाउन हॉल के अंदर किया जा रहा था और इसी सब पे हम बात कर रहे थे, इनने साफ तौर पर बताया कि इसका फ़ायदा क्या है, किस तरह से लोगों को आना चाहिए जिनके पास पैसे नहीं है या जो लोग केस लड़ नहीं पाते हैं उनको किस तरह से इनके साथ रबते में रहना चाहिए, और ये इनने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से उनके लिए फ्री केस लड़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देख रहे गुलिस्तान इज़ वसीम गत्तू डोडा। जहाँ भी आप जाते हैं आप इनका जिक्र जरूर करें, या आप जहाँ जब यहाँ से जाएंगे अपने गांव पे जाएंगे अपने लोगों से मिलेंगे इसके बारे में जरूर बताएंगे। तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी, तहसील जो लीगल अवेयरनेस हम कर रहे हैं आपको बताने के लिए कि आपके लिए स्कीम्स हैं, गरीब लोगों के लिए स्कीम्स हैं, हम यहाँ आपके लिए फ्री में बैठे हैं, आप कोर्ट आइए, कोई भी आपका मसला पैसा इसमें आता है, जो भी स्कीम्स आती हैं वो सारे लैप्स हो जाते हैं, वो सारी खत्म हो जाती है क्योंकि लोग आते ही नहीं। मेडिकल डिपार्टमेंट से हो, हॉर्टिकल्चर से हो, एग्रीकल्चर से हो, या फूड सेफ्टी या एम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स है उनको ऑन स्पॉट जो है उनको बेनिफिट्स दिए जाए, जो भी एंटाइटल बेनिफिशरीज हैं जैसे कि जो डिफरेंट स्कीम्स में आते हैं तो उनको आज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए कि जो भी उनकी स्कीम सीनियर सिटीजन इसके बेनिफिशरीज हैं, ट्रांसजेंडर बेनिफिशरीज हैं इसमें, और हर कोई इंसान जिसकी इनकम है तो अपने रिस्पेक्टिव एरिया के ऑफिस में वो जा सकता है, वहाँ एप्लीकेशन फाइल। फिर केसेस की मैनेजमेंट है कोर्ट्स में,
ओल्ड केस होगा, सीनियर सिटीजन का होगा, किसी मेंबर पार्लियामेंट का होगा, एमएलए का होगा, कुछ स्पेशल केसेस हैं स्पेशल एक्ट के अंदर, पहले उनको प्रायोरिटी दी जाती है। आम जो बेचारा लिटिगेंट है, दो फरीक जो लड़ रहे होते हैं, कोई जमीन के झगड़े को लेकर, कोई अपने और किसी मसाइल के लिए, वो उनको प्रायोरिटी से बाहर रहते हैं। वो उन्हें तो जाते हैं उनकी केस भी, लेकिन टाइम लगता है, वक्त लगता है। हाँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से